अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और सेफ्टी मेजर्स ले रहे होंगे और इसी तरह बस कीप अप सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। और यहाँ पर आज मैं किचन क्लीनिंग कर रही थी और इसमें मैंने स्टोव क्लीनिंग की है आज, तो मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी वॉल्स वगैरह टाइल्स सब, क्योंकि आपको पता है कि स्टोव के राउंड का एरिया जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं और काफ़ी गंदा हो जाता है। तो नॉर्मली यूजुअली हम लोग स्टोव तो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन मैं जो है वो डीप क्लीनिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं, तो उसमें डीप क्लीनिंग डेफिनेटली हम वीकली भी नहीं कर पाते हैं, तो वंस इन अ मंथ जो है मैं कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं स्टोव के साथ सारा एरिया और कैबिनेट्स और सब कुछ क्लीन करूँ, और कैबिनेट्स भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं रमज़ान की प्रेप्स में, और जो कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि लेडीज़ को पता होता है कि उन्होंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, और बेटर है कि हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुश्किल ना हो कि कौन सी चीज़ किधर रखी हुई है। तो इसीलिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन अ वुमेंस लाइफ, स्पेशली इन किचन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्लीनिंग डन कर चुकी हूँ और मैंने बस इसके ऊपर जिफ लगाया था और थोड़ा सा विनेगर डाल के मैंने छोड़ दिया था, अच्छी तरह से इसके स्टेन जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और टाइल्स पे भी मैंने जिफ ही यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं कि टाइल्स भी जो है वो चमक दमक गई हैं। तो ऑलमोस्ट मैं अपनी क्लीनिंग डन कर चुकी हूँ यहाँ पर। क्लीनिंग करने के बाद गाइस अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रेस्ट पीसीज ले लिए हैं और मैं जिंगर बनाने वाली हूँ, और यहाँ पर मैंने ब्रेस्ट को पाउंड कर लिया था अच्छी तरह से इसके रेशे ताकि टूट जाएँ, तो थोड़े स्मॉल पीसीज मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। आप चाहें तो आप थोड़े बड़े साइज़ के पीसीज भी ले सकते हैं, बट मैंने एक बर्गर के हिसाब से ही उसके पीस लिए हैं। इसमें जस्ट सॉल्ट, रेड चिली और चिली सॉस डालूंगी मैं, और इसको मैरिनेशन के लिए मैंने रख दिया था, और 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट कर दें तो अच्छा है। और यहाँ पर मैंने अलीज़े की रेसिपी को फॉलो किया है, अगर आप नहीं जानते तो मैं यहाँ पर टैग्स में उनका नाम दे दूँगी तो आप उनका चैनल देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उनकी रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ, और 3 आवर्स के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट होने के लिए दोपहर में ही रख दिया था और मैंने शाम में इसकी प्रिपरेशन की थी। तो यहाँ पर मैं सॉस वगैरह रेडी करने लगी हूँ और सैलड जो बंस वगैरह पे लगाना है, तो लेटस लीफ को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर वॉश कर लिया है और मैं टॉवल ड्राई कर रही हूँ, इसको टैप ड्राई कर रही हूँ, और फिर मैं इसको पीसेस में कट कर और इसमें मायो ऐड करने वाली हूँ। आप चाहें तो क्रीम चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमारी अच्छी सी सैलड रेडी हो जाएगी, और अगर आपको लीव्स एज इट इज़ ऐड करने हैं बन में तो आप एज इट इज़ भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से ज़रा लीव्स जो हैं वो बाहर भी नहीं निकलते और खाने में भी थोड़ा इजी लगता है, और आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में भी इसको ऐड कर सकते हैं अपने बन के अंदर। तो बस मैं इसको जल्दी से प्रिपेयर करूँगी, और इसके बाद मैंने मायो और केचप को मिक्स करके इसकी एक डिप रेडी कर ली थी ताकि वो भी फ्राइज़ के साथ और बर्गर्स के साथ यूज़ हो जाए। यहाँ पर अब मैं इसका बैटर रेडी कर रही हूँ, और बैटर के लिए मैंने यहाँ पर 6 टेबलस्पून मैदा लिया है प्लेन फ्लोर, और मैंने इसमें जस्ट 1 to 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है और थोड़े से ही चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, और इस तरह से इस बैटर को रेडी करके रख देंगे। और सेकंड जो हमने कोटिंग में चीज़ यूज़ करनी है वो है चिल्ड वाटर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर था, तो उसको चिल करने के लिए मैंने इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर दी हैं। तो बैटर मेरा रेडी है, मिक्सचर जिसमें अब मैं इसको कोटिंग करने वाली हूँ, और साथ में मैंने चिल्ड वाटर रख लिया है, और अब मैं फ्रिज से निकालूंगी मैरिनेटेड चिकन को, और इसको सबसे पहले हम कोट करेंगे मैदे वाले फ्लोर वाले मिक्सचर में, और उसके बाद इसको चिल वाटर में करेंगे, और देन अगेन फ्लोर में और चिल वाटर में। इस तरह से करके हमने इसकी 2 to 3 कोटिंग्स रिपीट करनी है। मैक्सिमम आप 2 कोटिंग्स कर लें इनफ है, बट अगर आप थोड़ी ज़्यादा थिक कोटिंग पसंद करते हैं तो आप 3 कोटिंग्स भी कर सकते हैं।
इसी तरह वन बाय वन करके हम कोटिंग करेंगे और रखते जाएंगे इसको प्लेट में, और जब सारी चिकन कोट हो जाएगी तो हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि आपने इसको इस तरह से कोटिंग कर देनी है, और एक्स्ट्रा जितना भी फ्लोर है आपने इसको डस्ट ऑफ कर देना है। और इस तरह मैं इसकी बाकी भी पीसेस की कोटिंग करके इसको एक प्लेट में रखने वाली हूँ। गाइस यहाँ पर हम पैन में ऑयल लेंगे, और ऑयल को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है। उसको मैंने 5 मिनट से प्री हीटिंग पर लगाया हुआ है, और मैंने मीडियम टू लो फ्लेम इसका रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल अच्छे से गर्म था, और इसमें मैं इस तरह से पीसेस को ऐड करूँगी, और दोनों तरफ से मैं इसको 3 to 4 मिनट्स कुक करूँगी। और जब कुक हो जाएगा तो फिर इस तरह से डन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम मैं इसको वन साइड पर टाइम दूंगी थोड़ा सा कुक होने के लिए। तो जब ये वन साइड कुक हो जाएगा 2 to 3 मिनट्स, डन हम इसको टर्न ओवर करेंगे। और इसी तरह से जब चिकन सारी कुक हो जाए तो आप लोग इसको निकाल के प्लेट में रख लें, और बाकी जितनी भी ड्रेसिंग्स हैं आप लोग अपने बन में ऐड करेंगे, और बिल्कुल आपका बन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो चिकन फिंगर ये अच्छे बने थे, एक्सपीरियंस अच्छा रहा था ओवरऑल। और ये आप देख सकते हैं कि अभी मैं इसका वेट कर रही हूँ कि चिकन अच्छी तरह से अंदर से पक जाए। और हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, इसको मीडियम टू लो हीट पर ही पकाएंगे ताकि एकदम चिकन सारा ब्लैक ना हो जाए और अच्छे से अंदर से भी पक जाए। गाइस आई होप आपको रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।